स्पूनविद कुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन करी एकदम देसी स्टाइल। ये वन ऑफ माय फेवरेट डिश है। चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन और चिकन में मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। इससे मसाले चिकन के अंदर तक जाएंगे और उसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढक के लगभग 20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन का मसाला तैयार करेंगे। वहाँ इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल और 1 टीस्पून जीरा। और हम लेंगे 4 साबुत लाल मिर्चें। इन सारे मसालों को हम लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। मसाला जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे 10 से 11 लहसुन की कलियां, 5 से 6 अदरक के स्लाइसेस और सारी चीजों का हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी तेल, 3 से 4 ये है लहसुन की कलियां जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और साबुत मसालों में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 1/2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून जीरा और प्याज यहाँ मैंने 3 लिए हैं जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक पतीले में हम तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें सारे हम साबुत मसाले ऐड करेंगे और उसे लगभग 1 मिनट के लिए हम भुनेंगे। साबुत मसालों का चिकन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें भुनना है जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारा काफी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कटे हुए टमाटर, उसे भी मैंने स्लाइसेस में कट किया है। साथ ही साथ हम इसमें मिलाएंगे 3 से 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किया है। इसे हमें पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए।
टमाटर जब अच्छी तरह से गल जाए तब इसमें हम मिलाएंगे मैरिनेटेड किया हुआ चिकन। इसे अच्छी तरह से मिला के हमें इसे ढक के पकाना है लगभग 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं चिकन लगभग आधा पक के तैयार हो चुका है। इसमें हम मिलाएंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था, हल्का सा पानी मिलाएंगे लगभग आधा कप, और आधा चम्मच हम इसमें मिलाएंगे हल्दी का पाउडर। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये चिकन की रेसिपी, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। इसे हम ढक के पकाएंगे जब तक मसालों से तेल अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो चुका है, मसाला यानी अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। इसमें हम मिलाएंगे लगभग एक ग्लास पानी। देसी चिकन जो होता है ना वो थोड़ा पतला ही बनता है, वो थिक नहीं बनता है। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे हम इसमें। इसे हम पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा बनके तैयार है। इसे हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी, नान, चपाती या राइस के साथ। इस चिकन का टेस्ट बहुत ही लजीज होता है, आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा इस चिकन को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।